में आ सकते हैं, तो सोच समझ के ही वहां पर पीक कीजिएगा। अभी के लिए उनका फोकस है टीम 8-bit को एलिमिनेट करने का, ट्राई तो जरूर करेंगे। डेलुलु को कर दिया जाएगा वहां पर नॉकआउट, और अब आखिरी खिलाड़ी शायद मेरे ख्याल से जो बच रखे हैं रौनक, कोशिश जरूर करेंगे कि उनके ऊपर जो अटैक बनने वाले हैं उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। प्री फायर बार बार लगातार किए जा रहे हैं, एक एक के साथ निकालेंगे, दूसरे को भी नॉकआउट जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन तीसरा खिलाड़ी कहाँ रह गया है, चौथा प्लेयर कहाँ रह गया है, देखने की कोशिश यहाँ पर अभी भी जारी है। लेकिन प्लेयर अब रीसेट करने का मौका मिल रहा है वापस से उनको, और मुझे लग रहा है कि वो वापस से मौका नहीं दिया जाएगा, जरूर दरवाजा तोड़ा जाएगा। एक और खिलाड़ी वहां पर नॉकआउट, रौनक क्या ही तबाही बचा, वो गेम बचा रहे हैं यहाँ पर, और शेडो ये खुद अब हैरान है कि ये किया जा रहा है। देखना ये है कि मेडल स्पोर्ट्स क्या टीम जीरो को एलिमिनेट करेगी, या टीम जीरो यहां से थोड़ी देर के लिए बच सकती है या नहीं। सही, हम पीछे की तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं एक अच्छी तरीके से, यहां पर मेडल स्पोर्ट्स का स्ट्रैटेजी देखने को मिल रहा है। टीम जीरो के जो बाकी तीन प्लेयर्स हैं स्क्वाड हाउस में फंस चुके हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके। कि क्या यहाँ से अभी बच के निकलना संभव है भी या नहीं, क्योंकि टीम जीरो के प्लेयर्स हल्का फंसते दिखे। डार्क लॉर्ड की वो नेड अनकोर को यहाँ पर डाउन करने में सक्षम रह जाएंगे और सीधा आपको एंट्री करते दिखेंगे जरूर से लाइट मशीन गन के साथ। स्काउट ऑफ वैल्यूज यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी आपको, एक एक दो दो टीम्स, एक दो प्लेयर्स भी अगर आपके पास आते तो आपको कन्फर्मेशन निकालनी पड़ेगी। डार्क लॉर्ड की शॉट गन, एक और कनेक्शन, एक और खिलाड़ी डाउन, और जैसा कहा कि एक एक दो दो प्लेयर्स भी, एक एक दो दो टीमें आपके तरफ आते दिख सकती हैं। संयम समापन आपको उनका भी दिखेगा, और इसी के साथ समय आ चुका है कि अब केविन ईस्पोर्ट्स वो भी पुश करे। एक टीम का जस्ट आपने समापन किया, एक और टीम आ चुकी है इस बैटल के अंदर, उसको फाइट लेना चाहिए। बट एस्पावर कुछ गोलियां दागी बट वो पीछे हट गए, हल्का डैमेज उनके ऊपर भी पड़ा है। थॉट फॉर अ सेकंड कि वो जाएंगे और कंफर्मेशन निकालेंगे उस खिलाड़ी की, बट वो चीज़ हुई नहीं। आप देखिए पीछे दूर दराज इलाकों से डैमेज पड़ रहा है, एक कवर फायर पड़ रहा है उनके लिए, तो अब दिक्कतें हैं। नकुल उनके तो मुंह पे खिलाड़ी आ जाएगा, नकुल की दिक्कतें बढ़ी, बट नकुल गन पे स्विच किया, डाउन किया, लेकिन साथ के साथ नकुल के ऊपर भी वो कनेक्शन, एंटिटी के पुकार वो खिलाड़ी बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर वो बैटल चलाते हैं। यहाँ पर पीछे एक थर्ड पार्टी आती है, द थर्ड पार्टी गेम इज गोइंग सो हार्ड, मजा आ रहा है जिस तरीके से आपको हर एक टीम फाइट करना दिख रही है। बट टीम आई खाई यहाँ पर सदा जी उन्होंने टीम डब्ल्यू एस बी हाल फिलहाल में आप देखिए फॉर्म काफी बेहतरीन आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखा इन सारे खिलाड़ियों का। बट अभी के लिए आप देखिए जो एक कैजुअलिटी आपको आती दिखी थी उनकी तरफ, एक कैजुअलिटी आपको यहाँ पे टीम रेमिनेंट की तरफ भी आती दिख सकती है। सेंसेई नॉकआउट तो है बट कंफर्मेशन अब तक आई नहीं, और पीएस डीवीएस लेके चेस कर रहे हैं उसे खिलाड़ी को कि पकड़ा जाए। रिडन के द्वारा यहाँ पर जीटी के प्लेयर्स का समापन देखेगा जरूर से, और एक्वा नॉक समाप्त कर देखेंगे रॉनी को, और इसी के साथ अब एक और फ्रैग आता देखेगा। दो फिनिशेस हो चुके टीम रेवेंट के, टीम आईकू सोल हल्का नीचे है, लोअर एरिया के अराउंड है, वो ग्रेनेड्स लगातार आपको चलते देखेंगे जरूर से उनके ऊपर, और बचना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहेगा। बट शैडो की वो नेट शोगन को करेगी डाउन, क्या हिल के ऊपर फाइट है या फिर टीम डेस्ट्रो हिल से नीचे उतरती दिखी है, क्योंकि आसपास ही आपको टीम जीरो मंडराती दिख तो रही थी। टीम रेविनेंट की बात करेंगे, वो दो फिनिशर्स मिले, क्या वो सर्कल के अराउंड रहेंगे अभी भी, फाइट लेना चाहेंगे या सर्कल को प्रायोरिटाइज करेंगे, एक बड़ा सवाल। वहीं बात करते हैं तो समझे वो हमें यहाँ पे फाइट करना चाहते दिखे, और उनकी तरफ से एक अच्छा कनेक्शन आया। टीम डेस्ट्रो पांच फिनिशर्स निकाल चुकी है टीम, और अभी भी सर्वाइवल चल रहा है। शोगन उनको रिवाइवल दिया जाएगा, और टीम जीरो एक और ऐसा परफॉर्मेंस जहां पर उतनी बेहतरीन तरीके से विक्ट्री हासिल तो नहीं हो पाई, उतना बेहतरीन तरीके सर्वाइवल तो नहीं हो पाया, और अंक भी नहीं मिले, बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई टीम। और फिर वही चीज कहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के बल पर नहीं टीम चला सकते, आपको क्या चल रहा है खेलना पड़ेगा। बट जरफ इतने ज्यादा विफ हो गए दोनों के ही शॉट्स, अजीब सा लगा, बट चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए वो कंफर्मेशन आपको आती दिखी जरूर से। बात करेंगे सेंसी की, एक ग्रेनेड चलता दिखेगा मान्या, बचना थोड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ पे। वो ग्रेनेड की लैंडिंग अगर सही जाती है तो समापन दिखेगा, एचपी ऑलरेडी काफी कम, एक स्मोक है, एक स्मोक है, और तीन खिलाड़ी बैठे हैं आसपास भूखे शेरों की तरह की, बस आप निकलिए बाहर, ग्रेनेड्स हैं, स्प्रेज हैं, बस घेराबंदी की गई है यहाँ पे। देखिए सोच समझ के यहाँ पर ध्यान, मतलब मैं बोलूंगा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मान्या को अगर आपने छोड़ दिया अकेले कभी भी बैक स्टैप कर सकते हैं, कभी भी आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अपने उस प्रे के जरिए, सोच समझ के। बट चलिए ब्लेज फाइनली सुनिश्चित करेंगे, टीम आईकू सोल का भी यहां पर समापन शायद मुझे लग रहा है देखने को मिलता नजर आने वाला है।